नमस्कार, आज हम बेसन का लड्डू बनाने जा रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो हम ले लिए 250 ग्राम बेसन ले लिए हैं, और ये मोटा वाला मील का पीसा हुआ बेसन है। आप देख सकते हैं इसी तरह का बेसन का लड्डू बनता है, तो दानेदार बनता है। 250 ग्राम मेरे पास बेसन है, तो हम 225 ग्राम चीनी ले लिए हैं, थोड़ा उससे बेसन से हम कम लिए हैं। आप इसमें बराबर भी दे सकते हैं जैसा आप मीठा खाते हो। और हम 250 ग्राम घी ले लिए हैं, और हम 20 से 25 हरी इलायची ले लिए हैं, इसे हम इसमें कूट के डालेंगे। बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तगार बना लेते हैं चीनी से। तो हम पहले तगार बना लेते हैं, तो आपको पीसना नहीं पड़ेगा, और पीसने से भी चीनी मोटा मोटा दाना रह जाता है। सबसे अच्छा है आप तगार बना लें, बहुत आसानी से तगार बन जाता है। चलते हैं हम तगार बनाने के लिए चीनी का। गैस पर हम फ्राई पैन रख दिए हैं, अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। पूरा 1 कटोरी हम भर के चीनी डालने हैं, तो इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे, और चीनी को इस प्रकार हम चलाते रहेंगे। और चीनी बिल्कुल साफ है, नहीं तो दूध डाल के इसे हम साफ भी कर लेते हैं, लेकिन चीनी साफ है तो इसे हम चलाते रहेंगे जब तक मेरा चीनी पिघल नहीं जाए। इसे हम चलाते रहेंगे, चीनी को हम लगातार चलाते हिलाते रहेंगे इस प्रकार से। चीनी पिघलने में 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट में चीनी पिघल जाता है। आप देख सकते हैं पूरा चीनी पिघल गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। चीनी बिल्कुल पिघल गया है, लेकिन अभी इसे चलाते रहना है। इसे आप चाहे 2 तार देख लें। पाक देखने का पुराना तरीका है कि आप कटोरी में पानी ले लें और उसमें आप पाक को डालें। अगर पाक नीचे जम जाए तो समझिए कि आपका पाक तैयार है, अगर वो फैल जाए तो तैयार नहीं है। तो हाथ से आप देख सकते हैं 2 तार बनते हुए, तो आपको जैसे सुविधा लगे उस प्रकार से आप देख सकते हैं। चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई, आप देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, 1 कटोरी में हम पानी ले लिए हैं। देखिए हम कटोरी में पानी ले लिए हैं, और इसमें हम तगार को डालेंगे इस प्रकार से। देखिए ये फैला नहीं, एक ही जगह पे है, देख सकते हैं आप, एक ही जगह है। तगार बिल्कुल बन के तैयार है, पाक बन गया, जिसे आप पाक भी कह सकते हैं। पाक बन के तैयार है, देखिए किस प्रकार से ये हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। यही देखने का तरीका है कि आप पानी में डालेंगे तो अगर तैयार नहीं तो फैल जाएगा, अगर बन गया है तो इस प्रकार गोला हो जाएगा। हम गैस बंद कर दिए, लेकिन इसे हम हिलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे, और इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से क्या होगा, मेरा तगार खिला खिला बनेगा और एक दूसरे में चीनी चिपकेगा नहीं। जब ठंडा होने पर ये पाउडर की तरह हो जाएगा तो एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो हम इसमें 1 चम्मच इसमें हम घी डाल दिए, घी डाल के घी को भी हम मिला लेंगे इस प्रकार से, और हिलाते रहेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तगार को इसी प्रकार, तो आपका ढेला ढेला हो जाएगा, इसीलिए इसको चलाते हुए ठंडा कर ले तगार को। इसे हम चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। आप तगार पहले से भी बना के रख सकते हैं, हम आपको दिखाने के लिए अभी तगार बनाए हैं, लेकिन हम पहले से ही बना के रखे रहते हैं तगार को। इसे हम चलाते हुए हिलाते हुए लगातार इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे हम गैस से नीचे उतार लिए, और इस प्रकार से इसे हम हिलाते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। बेसन का जो लड्डू है दानेदार तैयार होता है, यही तगार से मोटा बेसन रहता है, और इस प्रकार से हो गया पाउडर जैसा। इसे हम इस प्रकार हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। इस प्रकार इसे हम हिलाते रहेंगे। तगार बनाने में बस आपको लगातार चलाते रहना है। जब आप गैस बंद कर दें, गैस से नीचे उतार लें, तब भी आप चलाते रहें। नहीं चलाएंगे तो इसमें ढेला पड़ जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं इसमें एक भी ढेला नहीं। अगर छोटा छोटा आपको कुछ दिखाई भी दे तो इस प्रकार अभी गर्म में आप तोड़ देंगे तो टूट जाएगा। इस प्रकार देखिए तगार बन के तैयार है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में रख देते हैं। आपको चीनी पीसना भी नहीं पड़ा, आपका देखिए तगार बन के तैयार हो गया है। इसी से दानेदार लड्डू बनता है, तगार से ही। अब देखिए नीचे रखने से बिल्कुल ठंडा हो गया, कितना अच्छा दानेदार बन गया है। हाथ से छू रहे हैं हम, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, रख देंगे। और जो हम बेसन का लड्डू बनाएंगे उसमें हम 1 जायफल भी, 1/2 जायफल इसको हम घस के डालेंगे। ये सर्दी में सेवन करना चाहिए, इसको जाफर के नाम से भी जाना जाता है। और सूखी हुई सौंठ है ये, अदरक से जो सौंठ बनती है, अदरक को सुखा के सौंठ है, इसे हम कूट के डालेंगे। गैस पे हम रख दिए फ्राई पैन, गर्म भी हो गया। इसमें हम घी डाल देंगे, और थोड़ा सा घी हम बचा के रख लिए हैं, 1 चम्मच और हम घी इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच हम अभी घी रखे हुए हैं, जब काम पड़ेगा तो हम और घी डालेंगे। घी को हम पिघलने देते हैं, घी मेरा पिघल गया है। इसमें हम बेसन डाल देंगे, इसमें हम बेसन डाल देते हैं, और बेसन को हम बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे। इसे हम धीरे धीरे भूनेंगे, तेज आंच पे नहीं भूनेंगे। बेसन देखिए पूरा घी सोख लिया है, लेकिन इसे हम धीमी आंच पे अभी भूनेंगे,
और भूनने के बाद हमको लगेगा कि इसमें और घी डालना चाहिए, थोड़ा सा घी इसमें हम और डाल देंगे, लेकिन अभी हम इसमें घी नहीं डालेंगे, इसमें बहुत घी है, इतना ही घी से पहले हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से एक सोंधी सी खुशबू नहीं आने लगे। और आप देखिएगा इसका कलर भी हल्का सा बदल जाएगा। और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। हल्दी डालने से दो फायदा, एक तो इसमें कलर आ जाएगा हल्दी डालने से, और दूसरा फायदा है कि सर्दी के दिनों में ऐसे भी हल्दी खानी चाहिए, तो हम लड्डू में ही हल्दी डाल के खा लेंगे। कच्ची हल्दी भी खानी चाहिए, जो कच्ची हल्दी होती है ना उसे हम हमेशा पाउडर बना के रखते हैं। बेसन आपको धीमी आँच पे इसे भूनना है, तेज आँच पे नहीं भूनना है, तो धीरे धीरे आपको भूनने में 25 से 30 मिनट आपको लग जाएगा। 10 मिनट बेसन को भून तेवे हो गया है, इसका कलर चेंज है, हल्की हल्की खुशबू तो आ रही है, लेकिन अभी इसे और भूनना है। तो इसी प्रकार हम इसे धीरे धीरे भूनते रहेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे भूनेंगे। और आप चाहें तो कम घी में भी इसे बना सकते हैं, अगर आप अधिक घी नहीं खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी में भी इसे आप बना सकते हैं, बस इसे आपको धीरे धीरे अच्छे से भूनना पड़े। तो हम इसे अभी और भून लेते हैं अच्छी तरह से, लगातार इसको हमने 20 मिनट भून लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम और भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं, घी डाल के हम थोड़ा इसे भून लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे, और घी डाल के इस प्रकार हम चारों तरफ से मिला लेंगे। पानी का छींटा मारते हैं ना, अगर आप ऊपर से घी डालेंगे तो उसी तरह दानेदार बनेगी आपकी लड्डू, तो आप ऊपर से घी डाल दिया करें। भून लेते हैं, देखिए जैसे आप पानी डालते हैं उसी प्रकार से हो गया ना घी डालने से। थोड़ा सा घी इसमें हम और डालेंगे, लेकिन थोड़ा इसे हम और भून लेते हैं, उसके बाद घी डालेंगे। देखिए ऊपर से घी डालने से बिल्कुल दानेदार हो गई ना, कितना अच्छा इसमें दाना आ गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और भून लेते हैं, और थोड़ा घी हम और इसमें डालेंगे, और इसमें अच्छे से दाना बनाने के लिए। तो इसे अभी हम थोड़ा सा और भून लेते हैं। बेसन को हम लगातार 25 मिनट भून लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं, और थोड़ा सा घी डाल के मिला के और हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अब बेसन अच्छे से भून गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप देख सकते हैं इसका रंग भी बदल गया है, इसे हम धीमी आंच पे 25 मिनट लगातार भून लिए। बेसन भूनने से हाथ का अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि इसे लगातार चलाना पड़ता है। 1/2 चम्मच घी इसमें हम और डाल देंगे, और घी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। बेसन में हम 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे, और हम इलायची पाउडर डाल देंगे, और सौंठ और जायफल डाल देंगे। आप चाहें तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। सभी को हम मिला लेंगे अच्छे से, और हम गैस बंद कर देंगे। अभी भी फ्राई पैन बहुत गर्म है, चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ठंडा अच्छे से नहीं हो जाए। और इसमें हम तगार डाल देंगे, हम तगार रख लिए हैं, तगार में हम ये बेसन डाल देते हैं। गैस से हम बेसन को उतार लिए हैं, लेकिन अभी भी फ्राई पैन गर्म है, तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल जाएगा। तो इसे चलाते हुए अब इसमें तगार में हम डाल देते हैं बेसन को। अब इसमें डालने के बाद इस प्रकार, अभी तो हाथ से हम नहीं छुएंगे क्योंकि बहुत गर्म है, तो इसे इस प्रकार हम इसी से हम मिलाते रहेंगे, तब तक मिलाएंगे जब तक कि मेरा बेसन बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके अगर तगार में ढेले हैं तो उसे आप चाल ले सकते हैं, जिससे आप चावल छानते हैं या गेहूं छानते हैं, उस छन्ना से आप उसे छान ले सकते हैं। इसे हम लगातार इस प्रकार से मिलाते रहेंगे जब तक हाथ से छूने लायक ही ना हो जाए। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, ऊपर से ठंडा थोड़ा हो गया है, हाथ से हम इस प्रकार से हम मिला लेते हैं अच्छे से। इसे हम मिला लेंगे हाथ से, अभी भी थोड़ी गर्म है, थोड़ा और इसे हम ठंडा होने देते हैं अच्छे से, लेकिन हम इसे मिलाते रहेंगे इस प्रकार से। और इसमें थोड़ी सी घी हम और डाल देंगे इस तरह से, अभी भी गर्म है ये, लेकिन गर्म में ही इसी प्रकार से हम डालेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए कि आप थोड़ा कम घी में भी बना सकते हैं, गरम है इसमें हम घी मिलाएंगे, घी तो पिघल जाएगा, तो परेशानी हो रही है आपका लड्डू नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा ऊपर से घी डाल सकते हैं। अभी भी गरम है तो लड्डू तो हम गरम गरम में ही बनाएंगे ही ना, इसे हाथ से हम अच्छे से मसल के मिला लेते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ से इस तरह से इसे हम मिला लेंगे। मसलने के बाद बेसन को इस प्रकार से अब हम लड्डू बनाएंगे। आप बड़ा छोटा बना सकते हैं, लेकिन आप घर में जब बना रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा ही बनाए, छोटा ज़्यादा नहीं बना। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है ना, इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। इस तरह से आप दोनों हाथ से लड्डू बना सकते हैं। इस बेसन को हाथ में ले और अच्छे से इसे दबाएं, क्योंकि ये गर्म है ना, अच्छे से इसे दबाएं, देखिए कितना अच्छा बन जा रहा है।
इस प्रकार से रखते जाएं। इसे भी थोड़ा सा चिकना कर दें, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर ठंडा हो भी जाए तो इसे थोड़ा सा आप गैस पे रख दें, ये गर्म हो जाएगा और फिर से इसे आप बांध लें। इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। इस प्रकार हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 250 ग्राम बेसन में इतना सारा लड्डू बन के तैयार है। तो क्यों ना आप दिवाली में घर में ही बेसन के लड्डू बनाएं। अगर आपकी लड्डू अच्छे से नहीं बन रही है, अगर फैल जा रही है, तो आप थोड़ा सा घी रखे रहें और जो बेसन और चीनी का तगार का जो मिश्रण है उसे हल्का सा गर्म रहने दें और घी रखे रहें। एक चम्मच आप घी डालें अच्छे से हाथ से मसल के, और घी डालने के बाद उसे अच्छे से मिलाएं और दबा दबा के बनाएं, तो आपका लड्डू बन जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर ही रहने दें। तो आप हल्का सा दूध का, गर्म दूध का छींटा मार दें या गर्म पानी का छींटा मार के बना लें तो आपकी लड्डू बन जाएगी। मिठाई बनाने में मेहनत ही लगता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सारे तरीके आपको बता दिए लड्डू बनाने के लिए। तो इस प्रकार आप भी अपने घरों में दिवाली में अपने घर में लड्डू बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।